नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से अभी बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पास करवाना होगा। जो भी आपका पंचायत ब्लॉक होगा तो वहाँ पर आपको पास करवाना है कि मैं यहाँ पर घर बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग लिख कर देते हैं, उसका कुछ शुल्क भी लगता है, चार्ज लगता है उसका कुछ, ठीक है। जैसे कि आप शहर टाउन में कहीं भी टाउन में अगर घर बनाते हैं तो आपके जो भी म्यूनसिपैलिटी है तो वहाँ से एक नोटिस उसको देना पड़ता है कि हम यहाँ पे घर बना रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको मतलब कि कागज देते हैं कि हाँ आप हमारे यहाँ पे घर बनाइए और इतने से स्क्वायर फीट में बनाना है, सब उनको डिटेल में देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पंचायती राज कानून में किया जाएगा संशोधन, विधानमंडल में विधेयक लाने की तैयारी। देख सकते हैं यहाँ पे बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब मकान का नक्शा पास कराना होगा। मकान जो भी घर मतलब बनाते हैं, नक्शा पास करवाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, पटना ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान का नक्शा पास कराना होगा, ठीक है, जो मतलब पटना का है। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे नक्शा पास करवाना होगा। एक खास सीमा से अधिक ऊंचे भवनों के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तय सीमा से कम ऊंचे भवनों के लिए यह जरूरी नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक तला बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर पंचायती राज कानून 2006 में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कानून जो भी पंचायती राज का 2006 का कानून है उसमें ये नहीं लिखा गया था, तो इसके लिए इसको संशोधन करवा दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में मकान का नक्शा पास करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब कि अभी कहीं भी आप कितना भी दो तला, तीन तला, चार तला मतलब ग्रामीण क्षेत्र में बिल्डिंग बना सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे आपत्ति नहीं होता है, ठीक है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे और बड़े भवनों का निर्माण बिना किसी नियम का पालन किया जा रहा है, ठीक है, किए जा रहे हैं। इसके देखते हुए पंचायती राज विभाग एक्ट में संशोधन की तैयारी लग गई है, ठीक है। बिहार में पदाधिकारी बताते हैं कि मकानों का नक्शा पास करने का अधिकार पंचायती राज कानून की, जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको पंचायती राज को दिया जाएगा, जो भी नक्शा बनवाने का होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको आप अपडेट में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में यह मतलब व्यवस्था चालू हो गया है, वहाँ पे मतलब पहले से है। देख सकते हैं बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकान बनवाने पर नक्शा पास करवाने का प्रावधान है। वहाँ 3230 वर्ग फीट, ठीक है, 3230 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। साथ ही आवासीय भवन के लिए कुल कवर एरिया पर 50। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है और हमारे यहाँ पे अभी लागू नहीं है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे बिहार सरकार ने लागू किया है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में घर बनवाना चाहते हैं तो इसको आप एक बार देख लीजिए अपडेट को, और उसके बाद आपके जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक है वहाँ पे जाकर ये पता कीजिए, ठीक है। अगर अभी वहाँ पे नहीं लागू हुआ है तो अभी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब लागू हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है कि जल्द ही लागू किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जब भी लागू होगा तो आपको ज़रूर करवाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही आज का जानकारी था, और जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नमस्कार, प्रणाम।